प्रभास की सलार मूवी देखी आपने? यस भाई, थोड़ी देर पहले देखी, बहुत ही शानदार है, एक नंबर, फुल पैसा वसूल, क्या ही शानदार मूवी। में क्या खास लगा आपको भाई मूवी में? मेरे को प्रभास और इनकी क्या कहते हैं पृथ्वीराज की दोस्ती बहुत ही खास लगी, मतलब कि दोनों का ही काम बेस्ट है, लेकिन प्रभास तो भाई वन मैन आर्मी है और वो अपने मतलब पृथ्वीराज के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब देवा कुछ भी कर सकता है, पृथ्वीराज बुलाया देवा को, आया ना, ऐसा हो नहीं सकता। खान सार के जंगल पे बेस्ड है जो साम्राज्य बना था, जहाँ ये लोग पृथ्वीराज लोग राज, ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो उस पे बेस्ड है। और बहुत सभी की एक्टिंग कैसी लगी? सभी की एक्टिंग अच्छी लगी, प्रभास दमदार एक्शन रोल पे दिख रहे हैं, मतलब जैसी फैंस की डिमांड थी उस लेवल का एक्शन उन्होंने दिया, उस लेवल का वॉयलेंस दिया है, और हिंदी डबिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा पृथ्वीराज का भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, श्रुति हसन का भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो फुल क्या लगता है कमाई करेगी? मेरे हिसाब से सर ये कम से कम 1000 करोड़ पार तो जानी चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो प्रभास की जो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में आई है ना, तो उन्होंने भी 450 करोड़ ऐसा आंकड़ा पार किया है, तो फिर भी सुपर डुपर हिट होने वाली है, तो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। मेरे को प्रशांत नींद का डायरेक्शन कैसे? एक नंबर। क्या लगता है कमाई करेगी? मैंने जैसे बताया कि 1000 करोड़ की कमाई कम से कम कर सकती है, और बीजेम भी बहुत ज्यादा धांसू है, फाड़ू है। फर्स्ट डे की ओपनिंग कितनी ले सकती है? मेरे हिसाब से सर ये पर्सनली अगर बताऊँ, अपने प्रेडिक्ट करूँ, तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इसका एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स आए हैं उनको देख के कहूँ कि 150 करोड़ फर्स्ट डे लेगी, तो कोई गलत नहीं होगा, 150 करोड़ की फर्स्ट डे ओपनिंग हो सकती है। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 से पूरे 5 स्टार देंगे। ओके सर, थैंक यू।